अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 1 और आज से हम मिड टर्म की प्रिपरेशन भी इसके साथ स्टार्ट करेंगे और हम टोटली करेंगे 23 लेक्चर्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1 और ये बुक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो हम लेट्स इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे जो आपके मिड टर्म में पेपर आएंगे, और अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद 3.40 CGPA हासिल नहीं कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में हमारे पास है नेटवर्क। हमारे पास नेटवर्क क्या चीज़ होती है? अ नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। एक नेटवर्क जो होता है वो सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और वो एक सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अब इसके ज़रिए कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक नेटवर्क। सेकंड थिंग इज़ इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? द इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टिंग बाय रूटर्स डेट आर कन्फिगर टू पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर अटैच टू एनी नेटवर्क इन द सेट। अब कंप्यूटर जो होता है वो एक नेटवर्क्स उसमें कनेक्ट होते हैं जो कि उसके बाद एक रूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। अब रूटर क्या करता है कि वो कन्फिगर्ड होता है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स के, वो उसका कनेक्शन बहुत से कंप्यूटर के साथ होता है। तो हम अपने एक कंप्यूटर से डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए किसी दूसरे कंप्यूटर को ईज़िली सेंड कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के ज़रिए हम लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये होगी नेटवर्क और इंटरनेट। अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि कंप्यूटर को कितने फैक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो कंप्यूटर्स को नेटवर्क को 4 फैक्टर में क्लासिफाइड किया गया है, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम एंड बाय मोबाइलिटी। फर्स्ट है हमारे पास बाय साइज। अकॉर्डिंग टू देयर साइज देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क्स। साइज़ के हिसाब से इसकी 2 क्लासिफिकेशन की गई हैं। एक तो है लोकल एरिया नेटवर्क एंड सेकंड इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, लैन और वैन हम इसे कहते हैं। अब लैन में क्या होता है कि एक छोटा नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग में ये नेटवर्क हो सकता है। स्मॉल एरिया जहाँ पर भी एक रूम में कनेक्शन लगे हुए हैं, 5-6 कंप्यूटर पड़े हैं या एक पूरा ऑफिस है, एक पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पर एक नेटवर्क जो है वो कनेक्ट है पूरे के पूरे कंप्यूटर्स के साथ, तो हम इसे कहते हैं लैन, जो कि एक स्मॉलर नेटवर्क होगा। सेकंड थिंग इज़ वैन। अब वैन क्या होता है कि ये एक लार्जर इंटरनेट नेटवर्क है जो कि बहुत से सिटीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान हो सकता है। जैसा कि हम पाकिस्तान के एक सिटी इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो हम दूसरी सिटी कराची तक भी अपने इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं, तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क होगा और हम दूसरे कंट्री के साथ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जबकि लैन में सिर्फ एक बिल्डिंग या एक छोटा, आप कुछ भी कह सकते हैं कि 2 बिल्डिंग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क एक होगा। अब हम लैन और वैन को इसकी स्पीड के ज़रिए, इसकी बैंडविड्थ और इसकी मैनेजमेंट के ज़रिए हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बाय साइज़ के ज़रिए इसके 2 होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें 2 चीज़ें याद करने वाली हैं। सेकंड है हमारे पास बाय कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी के हिसाब से इसे भी 2 चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है। एक है पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकंड इज़ ब्रॉडकास्टिंग। अब पॉइंट टू पॉइंट से नाम से ही जाहिर है कि पॉइंट टू पॉइंट में जो होगा वो एक पॉइंट की ज़रूरत होगी, जबकि ब्रॉडकास्टिंग में पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी। पॉइंट टू पॉइंट को भी आगे 2 टोपोलॉजीज़ में क्लासिफाइड किया गया है। एक है स्टार टोपोलॉजी और दूसरा है ट्री टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, द ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू द हब। मैंने पहले ही कहा था कि पॉइंट में एक पॉइंट के ज़रिए से कनेक्ट किया होगा। अब स्टार टोपोलॉजी जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है, ये इसकी सेंट्रल हब है और ये इर्द गिर्द इसके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। आप इसे कंप्यूटर समझ लें, ये इसके साथ सारा डाटा कनेक्ट है। अब जिस कंप्यूटर को अटैच होना होता है वो अपनी वायर लेके इसके साथ अटैच हो जाता है और ये एक नेटवर्क बन जाता है, इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब दूसरा हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। इन ट्री टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे डैट दे मेक अ ट्री। अब इसमें भी एक वायर है, एक इनका एक सेंट्रल तो नहीं हम कह सकते, इसका एक सर्वर है, मेन सर्वर है, उसके साथ ये सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं वायर के ज़रिए, जो कि एक ट्री बना देते हैं। तो मेन मकसद है कि इसके लिए एक हब की ज़रूरत होती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट होता है। सेकंड है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में हमारे पास हब की ज़रूरत नहीं होती है। सेटेलाइट या रेडियो रिंग टोपोलॉजी, इसको भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है।
स्टार टोपोलॉजी या रेडियो टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वी आर सेटेलाइट आर रेडियो वेव्स। सेटेलाइट टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स जो हैं एक रेडियो या एक सेटेलाइट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब हमने अपना एक डाटा का या एक सिग्नल जो है वो सेंड करना होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस जो हमारे पास कनेक्ट सेटेलाइट होता है उसको सेंड करते हैं और उसके बाद वो आगे वाले सर्वर को सेंड कर देता है। मीन कि हमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती, हम वेव्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी है, इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द अदर थ्रू आ रिंग। अब रिंग टोपोलॉजी में भी ऐसा होता है कि एक वायर गुजरी हुई है हर तरफ से, उसमें से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि PTCL है, PTCL की जैसे वायर है वो फुल की फुल ऐसे लगी हुई है हमारे एरियाज़ में, हमारे इलाकों में, तो वहाँ पर जिसको चाहिए होता है वो उसके साथ कनेक्ट कर लेता है अपनी वायर के साथ, तो हमें सेंट्रल हब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब चौथी उसकी थर्ड वाली फॉर्म थी बाय मीडियम। अब मीडियम में भी इसको दो तरीकों में क्लासिफाइड किया जाता है, यहाँ पे फोर लिखे हुए हैं और भी हो सकते हैं लेकिन ये तीनों एक ही हैं कि एक को तो वायर के ज़रिए यानी कि केबल के ज़रिए कनेक्ट किया जाए, दूसरा है इसको वेव्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाए। अब एक तो होता है हमारे पास, हमें उसे वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरनेट लगा होता है वो ऑलमोस्ट ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए लगा होता है, और दूसरा हमारे पास एक हमारा नेटवर्क जो इंटरनेट लगा होता है वो रेडियो वेव्स के ज़रिए लगा होता है। अब रेडियो वेव्स वाला हमारा जो होता है जिसे हम कहते हैं विंगल के ज़रिए जो हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, विंगल आपने देखी होगी जिसमें एक जगह पर डिवाइस लगी होती है और आप अपनी डिवाइस अपने छत पर रखते हैं तो वो उसके सिग्नल्स को कैच करती है। एक तो यही हो गया जो वेव्स के ज़रिए कनेक्ट है, दूसरा हमारा जो PTCL लगा होता है वो वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है। तो ये दो फॉर्म्स होगी इसकी, यानी कि एक वायर और दूसरी नॉन वायर। अब ये इन तीनों में फ़र्क क्या है कि इन तीनों को हम इसका फ़र्क डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनकी स्पीड के ज़रिए, ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, रेंज ऑफ रिसीवर, ट्रांसमिट कंप्यूटर्स। अब हम तीनों को इनकी स्पीड और रेंज के ज़रिए कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की होती है, तो ज़ाहिर है रेंज भी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। लेकिन अब दूसरी टाइप ये है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये जो है थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम इन तीनों को इस ज़रिए से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मोबाइलिटी। द नेटवर्क आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोबाइलिटी। गाइज आपके लिए फुल मिडटर्म के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह आपके मिडटर्म में 3.40 हम आपके नंबर लेके रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है और मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के इस तरीके से लेक्चर बनाए हुए हैं। तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने लाइक करनी है, वरना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो फोर्थ हमारे पास फॉर्म है बाय मोबाइलिटी। मोबाइलिटी के हिसाब से भी इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है फिक्स नेटवर्क, दूसरा है मोबाइल नेटवर्क। फिक्स नेटवर्क क्या होता है, जो कि एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पीसी पड़ा होता है तो ज़ाहिर है उसको जब इंटरनेट देते हैं तो वो एक केबल के ज़रिए रहता है, हम उस कंप्यूटर को बाहर उठा के नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास मोबाइल नेटवर्क की। अब मोबाइल नेटवर्क को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन दिनों में जो मोबाइल नेटवर्क है उसे हॉट केस कहा जाता है, यानी कि ये एक इमर्जिंग टाइप है इसकी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। वो आप सबको हमें पता ही है कि कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बिलिंग में मसला आ जाता है, एलोकेशन और ट्रैकिंग का मसला आता है। तो एक फिक्स होती है और एक मोबाइल नेटवर्क होती है, हमें बस ये याद करना है। ये फोर टाइप्स हो गई हैं हमारी कवर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्क इन डेली लाइफ। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा बुक के ऊपर आपने इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर आना है कि हमारे नेटवर्क कहाँ यूज़ होते हैं। हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए, शिपिंग के लिए हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है, आर्मी इसको यूज़ करती है, हम स्कूल में ऑनलाइन लेबॉरेटरीज, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लेक्चर, ये थोड़ी नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं तो हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद आगे हमारा सेकंड लेक्चर। तो गाइस कैसे लगे आपको हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर सब्जेक्ट का फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। ये जो आपके पास सामने अंडरलाइन है आपने इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, वेरी इजी, आप दो मरतबा पढ़ेंगे तो आपको ये जहन में बैठ जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।